प्रदेश शासन एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देश अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के अवसर पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के आयोजन के अंतर्गत आज दिनांक 13/8/2023 को आबकारी विभाग द्वारा महेंद्र पाल सिंह जिला आबकारी अधिकारी मुरादाबाद के नेतृत्व में आबकारी भवन GMD रोड से होते हुए ताड़ीखाना चौक से बुद्ध बाजार चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान सार्वजनिक निजी प्रतिष्ठानों तथा शहर के आमजन को अपने अपने घरों तथा दुकानों पर तिरंगा लगाए जाने हेतु प्रोत्साहित किया गया। साथ ही सर्वसाधारण से अपील की गई कि अवैध अड्डों से शराब खरीदकर सेवन न करें, क्योंकि यह शराब जहरीली हो सकती है तथा इसमें मेथाइल अल्कोहल मिला हो सकता है। मेथाइल अल्कोहल एक घातक विष है, इसके अल्प मात्रा में सेवन से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस अवसर पर आबकारी निरीक्षण कर श्रीमती वनीता रस्तोगी, शिखा श्रीवास्तव, राजेश कुमार सिंह, मनोज यादव, जय प्रकाश सिंह तथा चंद्रभान सिंह एवं प्रधान आबकारी सिपाही व कर्मचारी गण उपस्थित रहे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दीपाल है, मैं जिला आबकारी अधिकारी मुरादाबाद हूँ। सर क्या प्रोग्राम था आज? आजादी के अमृत महोत्सव योजना के समापन समारोह के अवसर पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत आज दिनांक 13/8/2023 को आबकारी विभाग मुरादाबाद द्वारा आबकारी भवन GMD रोड मुरादाबाद से ताड़ीखाना चौराहे तथा बुद्ध बाजार चौराहे के बीच में एक जो तिरंगा यात्रा निकाली गई आबकारी विभाग में, इसमें मेरे नेतृत्व में और आबकारी सभी आबकारी इंस्पेक्टर और प्रधान आबकारी सिपाही, आबकारी सिपाही और अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे। इसमें साथ में लोगों को झंडा लगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया और झंडा का जो इसमें जो यात्रा निकाली गई उससे पहले हमने जो लोगों को झंडा लगाने और किस तरह लगाना है वो भी लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर मैं जो लोगों को ये अपील करना चाहूँगा कि जो आगामी जो त्यौहार है हमारा 15 अगस्त भी है और आगे हमारा जो रक्षाबंधन भी है, इसमें अवैध शराब बनाने वाले जो तत्व हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति अवैध हथों से शराब खरीद के न पिए। ये शराब मिलावटी हो सकती है, इसमें मिथाइल अल्कोहल मिला हुआ हो सकता है। मिथाइल अल्कोहल एक घातक विष है, इसके अपमात्र सेवन से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो मैं सर्वसाधारण को यही जो अपील करना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अवैध हथों से शराब खरीद के न पिए और खुशी से अपने ये त्यौहार मनाए। साथ ही मैं इन 15 अगस्त के और हमारे जो आने वाले का जो रक्षाबंधन की और त्योहारों की सबको शुभकामना देता हूँ।